साथियों, आज का भारत डिजिटल रिवॉल्यूशन के अगले कदम की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से 5G रोल आउट करने वाला देश है। सिर्फ 120 दिन में 120 दिनों में ही 125 से अधिक शहरों में 5G रोल आउट हो चुका है। देश के लगभग 350 जिलों में आज 5G सर्विस पहुंच गई है। इतना ही नहीं, 5G रोल आउट के 6 महीने बाद ही आज हम 6G की बात कर रहे हैं। और ये भारत का कॉन्फिडेंस दिखाता है। आज हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट भी सामने रखा है। ये अगले कुछ वर्षों में 6G रोल आउट करने का बड़ा आधार बनेगा। साथियों, भारत में विकसित और भारत में सफल टेलीकॉम टेक्नोलॉजी आज विश्व के अनेक देशों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। 4G और उससे पहले भारत टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का सिर्फ एक यूजर था, कंज्यूमर था, लेकिन अब भारत दुनिया में टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का बड़ा एक्सपोर्टर होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 5G की जो शक्ति है, उसकी मदद से पूरी दुनिया का वर्क कल्चर बदलने के लिए भारत कई देशों के साथ मिलकर के काम कर रहा है। आने वाले समय में भारत 100 नई 5G लैब्स की स्थापना करने जा रहा है। इससे 5G से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस मॉडल्स और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को जमीन पर उतारने में बहुत मदद मिलेगी। ये 100 नई लैब्स भारत की यूनिक नीड्स के हिसाब से 5G एप्लीकेशंस डेवलप करने में मदद करेगी। चाहे 5G स्मार्ट क्लासरूम हो, फार्मिंग हो, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हो या फिर हेल्थ केयर एप्लीकेशंस, भारत हर दिशा में तेजी से काम कर रहा है। भारत के 5G I स्टैंडर्ड्स ग्लोबल 5G सिस्टम का हिस्सा है। हम ITU के साथ भी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए मिलकर के काम करेंगे। यहां जो इंडियन ITU एरिया ऑफिस खुल रहा है, वो हमें 6G के लिए सही एनवायरनमेंट बनाने में भी मदद करेगा। मुझे आज ये घोषणा करते हुए भी खुशी हो रही है कि ITU की वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली अगले वर्ष अक्टूबर में दिल्ली में ही आयोजित की जाएगी। इसमें भी
विश्व भर के प्रतिनिधि भारत आएंगे। मैं अभी से इस इवेंट के लिए आप सबको शुभकामनाएं तो देता हूं, लेकिन मैं इस क्षेत्र के विद्वानों को चुनौती भी देता हूं कि हम अक्टूबर के पहले ऐसा कुछ करें जो दुनिया के गरीब से गरीब देशों को अधिक से अधिक काम आए।